दोस्तों, आज आपके मन पसंदीदा चैनल मिक्स जीके बाई जीके अग्रवाल सर के माध्यम से बताने जा रहे हैं यूकलिप्टस या सफेदा, जिसको नीलगिरी का पेड़ भी कहते हैं। यह लकड़ियों का इस्तेमाल जो कि पेटियां बनाने, ईंधन बनाने, हार्डबोर्ड, फर्नीचर और पार्टिकल बोर्ड इत्यादि बनाने में किया जाता है। यूकलिप्टस या सफेदा के पत्ते खांसी और जुकाम के लक्षणों को कम करने के लिए कार्य करता है। इसके अलावा मांसपेशियों और जो जोड़े का दर्द है उसके लिए भी यह काम में आता है। यूकलिप्टस एक रामबाण का कार्य करता है जोड़े के दर्द के लिए। यूकलिप्टस के पत्ते का प्रयोग अस्थमा और सांस से संबंधित समस्याओं को निवारण के लिए भी किया जाता है। यह पेड़ एक दिन में लगभग 12 लीटर से 20 लीटर तक के जल को अवशोषित कर लेता है। यही इसकी सबसे ज़्यादा कमी है कि इसको जहाँ भी लगाया जाता है वहाँ पानी की कमी आ सकती है, इसलिए जो पानी वाले स्थान है उन्हीं में लगाना चाहिए। यह खार को भी ग्रहण कर लेता है। हिंदी में इसे नीलगिरी का पेड़ कहते हैं। यह काफ़ी पत्तियाँ जो है उसकी नुकीली होती हैं, जिनकी सतह पर गांठ होती है। जैसे आप देख रहे हो ये पत्तियाँ हैं और इनकी सतह पर यहाँ पर ये गांठ है, जो कि जो तेल है उसको संचित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि हम बात करें तो इसका प्रयोग विभिन्न रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। यह तेल जितना पुराना होता है उतना ही असरदार होता जाता है। कई लोग इसकी पत्तियों की चाय बना करके भी काम में लेते हैं। नीलगिरी का तेल का इस्तेमाल एंटीसेप्टिक और उत्तेजक औषधियों के लिए किया जाता है। यह हृदय गति को बढ़ाने में और अनियंत्रित दिल की गति को नियंत्रित करने में भी लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि नीलगिरी का तेल कभी एक्सपायरी डेट का नहीं हो पाता, अर्थात यह जितना पुराना होगा उतना ही उपयोगी होगा। यह मलेरिया रोग का उपचार करने में भी मददगार होता है। इसका इस्तेमाल जो है वो अन्य कार्यों में, अन्य रोगों को दूर करने में किया जाता है। गर्दन या शरीर के अन्य हिस्सों में दर्द की शिकायत हो तो भी नीलगिरी का तेल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। नीलगिरी का पत्तियों का अन्य बीमारियों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यदि हम देखें तो इससे लगभग 18 प्रकार की बीमारियों को दूर किया जा सकता है। जैसे पहला इन्फेक्शन, दूसरा बुखार, तीसरा पेट में गड़बड़, चौथा कफ, पांचवा श्वसन तंत्र या एलर्जी और संक्रमण, छठा काली खांसी, सातवां दमा, आठवां ट्यूबरक्लोसिस टीवी, नौवां ऑर्थराइटिस रोगों को दूर करने, दसवां जोड़ों के दर्द या गठिया का उपचार करने, ग्यारहवां मुहासे के लिए, बारहवां अल्सर के लिए, तेरहवां बर्न्स के लिए, चौदहवां दांत के लिए, पंद्रहवां भूख न लगने के लिए, सोलहवां कैंसर के लिए, सत्रहवां डेंटल प्लैंक के लिए और 18वां इससे जो खांसी जुकाम है उनके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। मित्रों, आज आपने इस चैनल के माध्यम से अपना अमूल्य समय निकाल करके धैर्य पूर्वक इस जानकारी को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।